डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं समष्टीय संबंध या सार्वत्रिक संबंध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। जैसा कि नाम से क्लियर है, यूनिवर्सल की मीन्स जैसे सबसे बड़ा, जैसे आप यूनिवर्सल सेट पढ़ते हो वैसे ही यूनिवर्सल रिलेशन है। इसका मतलब रिलेशन में जो सबसे बड़ा रिलेशन हो सकता है। पहले हम डिफिनेशन देते हैं, फिर से एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी यूनिवर्सल इफ If relation R is equal to A cross B, A cross B माने जो दो सेट दिए हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल। तो ऐसे रिलेशन को हम, यानी रिलेशन जो दिया हुआ है और जो दो सेट दिए हुए हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर दोनों बराबर हैं तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन R, यहाँ पर R रहेगा, रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B इज सेट टू बी यूनिवर्सल इफ R इज इक्वल टू A cross B। हिंदी में कहेंगे समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर यूनिवर्सल माने सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा, सार्वत्रिक या समष्टीय कहलाएगा यदि आर इक्वल टू कार्तीय गुणनफल ए और बी का। अब एग्जांपल लेते हैं, दो सेट लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सेट बी इक्वल टू 4, 5, 6, दो सेट हमने लिए। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल ले रहे हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6, ये हो गया कार्तीय गुणनफल, पार्टीशन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। अब रिलेशन हम डिफाइन करते हैं। माना रिलेशन आर, यानी संबंध आर इज इक्वल टू, कोई रिलेशन ले रहे हैं एक्स वाई, सच दैट एक्स इज लेस देन वाई, x belongs to set A and y belongs to set B। ये रिलेशन हमने डिफाइन किया। आप जानते हो रिलेशन के जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेकंड कंपोनेंट से छोटा है। देखो दिया हुआ है x इज लेस देन y, यानी x का मान y से छोटा है। और x क्या है, x इक्वल टू 1, 2, 3, y क्या है, इक्वल टू 4, 5, 6। इसी इक्वल टू अभी किस फॉर्म में दिया हुआ है, हमने बताया है कि जब भी रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ हो तो सबसे पहला काम उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में जब तक नहीं लिखोगे आगे आप चल नहीं पाओगे। इसी इक्वल टू अब क्या शर्त है कि जो ऑर्डर पेयर के जो रिलेशन के एलिमेंट यानी ऑर्डर पेयर में होंगे उसका फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से हमेशा छोटा होगा, यानी 1, 4 होगा, कभी 4, 1 आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, 1, 4 बनेगा, 1, 5 भी बनेगा, 1, 6, देखो 1 छोटा 4 से, यही कंडीशन है, एक्स लेस देन 1 वाई, 1, 5 1 छोटा 5 से, 1 छोटा 6 से, फिर 2, 4,
टू फाइव टू सिक्स ऐसे ही थ्री फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स ये हो गया रिलेशन। इस रिलेशन को हमने रोस्टर पा गया। तो आप देख रहे हो कि एक क्रॉस बी में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहाँ भी सेम है। तो लिखेंगे चूंकि आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इम्प्लाइज दैट रिलेशन आर इज यूनिवर्सल। कैसा है? यूनिवर्सल है। आप इसको चाहो तो एरो डायग्राम मेथड से भी देख सकते हो। ऐसे देखते हैं आप इसको भी, पिछले लेक्चर में बताया गया था। सेट ए सेट बी इसके एलिमेंट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन का रिलेशन फोर से, वन का फाइव से, वन का सिक्स से, टू का फोर से, टू का फाइव से रिलेशन, टू का रिलेशन सिक्स से, थ्री का फोर से, थ्री का फाइव से, थ्री का सिक्स से रिलेशन। यही चीज़ यहाँ पर लिखी है। आप देख रहे हो वन छोटा है फोर से, वन छोटा है फाइव से, वन छोटा है सिक्स से, ऐसे ही टू छोटा है फोर से। तो कंडीशन से पूरी हो रही है। तो ये रिलेशन जो हमने डिफाइन किया था वो ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी के बराबर है, इसलिए इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको हम एग्जांपल नंबर हमने वन मान लिया इस रिलेशन को। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको वन मान लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल नंबर दो, इसके और सेट लेते हैं। माना ए इज इक्वल टू वन टू, माना सेट ए इज इक्वल टू वन टू यानी इसके एलिमेंट वन और टू हैं, और सेट बी इज इक्वल टू वन थ्री दे दिया। दो सेट ए और बी लिया। अब ए से बी में डिफाइंड रिलेशन कर रहे हैं। माना रिलेशन आर इज इक्वल टू आर फ्रॉम ए टू बी, क्या हो जाएगा? वन 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 थ्री फिर टू वन टू थ्री। अब रिलेशन डिफाइन किया हमने। अब एक क्रॉस बी निकालेंगे। वन वन हो गया, वन थ्री हो गया, टू वन हो गया, टू थ्री हो गया। एक क्रॉस बी निकालेंगे यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो वन 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 थ्री वन 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 थ्री टू वन टू थ्री। तो रिलेशन में जो एलिमेंट हैं वही एलिमेंट क्रॉस प्रोडक्ट में भी हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी हैं। तो लिखेंगे चूँकि आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इम्प्लाइज दैट आर इज यूनिवर्सल। क्लियर? अब यहाँ पर रिलेशन जो डिफाइंड है उसमें शर्त नहीं दी हुई है कि कौन छोटा कौन बड़ा, इससे मतलब नहीं हमको है। बस हमको तो ये दिखाना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और जो रिलेशन डिफाइंड है दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको पूरी तरफ से समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं।